सो आप सभी आई थिंक सभी से भी बढ़िया मस्त और जबरदस्त हो गए। बेसिकली आप सभी को एक अपडेट देना था, पता होगा मैंने कल आप सभी को इन्फॉर्म भी किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड का कैंडिडेट को लेके एक तो कॉमन सा डाउट आ रहा था, मैंने मेल भी किया था और मेल का मैं स्क्रीनशॉट आप बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे कि भैया गलती हो गई, फॉर्म क्या दूसरा फिल कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से रिप्लाई ये आया है, मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा नंबर एग्जाम इसका फॉर्म फिलिंग डेट भी एक्सटेंड हो गया, तीसरा नंबर एग्जाम कब होगा, चौथा नंबर एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, सारी की सारी चीजें। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने BSF का फॉर्म फिल किया होगा, BSF रेडियो ऑपरेटर का। ये वेबसाइट मैंने ओपन की सरकारी रिजल्ट से, लेकिन ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अपनी वाली है ही नहीं। यहाँ पे हमें चलना होगा, यहाँ पे नया सर्च कर लेते हैं, कोस्ट गार्ड CDAC.in पे चलते, ठीक है। ये पता नहीं क्या यार, कोस्ट गार्ड CDAC, ओके। तो कोस्ट गार्ड CTEC जिसे आप बोलते हो, ICG, रुकेगा इसे ओपन हो जाने देता है। वेबसाइट अच्छे से ऐसे ही वर्क करता है या फिर इंटरनेट स्लो हो सकता है, ये भी दोनों चीजें में कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो ओपन हो गया। तो इंडियन कोस्ट का नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और नाविक जनरल ड्यूटी का फॉर्म फिलिंग चला था और कल लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, आज 22 तारीख है, आज 22 तारीख है, 22 22nd of September, 22nd of September। और जो भी इस कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है, क्या एक्सटेंड की गई, कब तक की गई, वो भी मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा सा ये ओपन हो जाए तो आप सभी को दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तब तक मैं आपको एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ कि आपका एग्जाम कब होगा। ऑफिशियल अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप सभी को बता देता हूँ जानकारी के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ही बता देता हूँ। मान लो या क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड अपने लास्ट के कुछ टाइम से बिल्कुल सुटेबल परफेक्ट टाइम से चलता आ रहा है, जो इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं पड़ रहा है उनको, जो डेट वो देते हैं तो वही उसी डेट को सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो उन्होंने मेंशन किया है मिड मिड अक्टूबर सॉरी मिड नवंबर उन्होंने मेंशन किया है, मिड नवंबर टू एंड ऑफ नवंबर, दो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं ऑफिशियल पे, ठीक है। तो ये लगता है ओपन नहीं होने के अमाउंट से, तो विजन एंड मिशन हाँ आ गया। चल हम इस पे क्लिक कर लेते हैं कोस्ट गार्ड वाले पे, अभी ओपन होगा। तो उन्होंने दो चीजें मेंशन की है कि आपको एग्जाम या तो मिड नवंबर पे होगा या एंड ऑफ नवंबर पे होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एंड ऑफ पे भी नहीं होगा और मिड पे भी नहीं होगा। आपका पेपर जो होगा लगभग 22 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में होगा, मतलब 22 से 26 नवंबर के बीच में इनमें से कोई ना कोई एक डेट होगी। और उसी टाइम पे आपका एक एग्जाम और होगा। आप में से जितने भी हो, मैंने जानबूझ के उस पर बहुत मतलब बहुत क्या 5 6 वीडियो बनाए BSF रेडियो ऑपरेटर का और रेडियो मैकेनिक का, दोनों का एग्जाम सेम उसी टाइम पे होगा, एक दो दिन प्लस माइनस चलेगा लेकिन उसी टाइम पे होकर दोनों का सिलेबस सेम है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना तो इन दोनों में से किसी ना किसी में भाई आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी कि जो BSF रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट है, जो BSF रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट है, रुकिएगा यहाँ पे कुछ ओपन कर लेते हैं, आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड पे ही ओपन कर लेते हैं, कुछ तो ओपन हो जाओ। सिलेक्शन प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। सिलेबस PDF PDF दे रखा है, कोई PDF हो तो ओपन कर लेते हैं। जॉब प्रोफाइल, करियर प्रोग्रेशन, इंडियन कोस्ट गार्ड का देख सकते हो, जैसे कि ये आपका कैसे क्या प्रमोशन होता है, प्रधान अधिकारी, उत्तम अधिकारी, अधिकारी, प्रधान नाविक, ये नाविक से स्टार्ट होता है, उत्तम नाविक, प्रधान अधिकारी, और आपका यहाँ तक प्रधान अधिकारी तक आप यहाँ बन सकते हो। कितने सालों में क्या प्रमोशन होता है वो चीजें भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, तो दोनों के दोनों एग्जाम जो बात कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के दोनों जो आपके एग्जाम होंगे ना उनकी जो डेट्स हैं, इसका तो मान लेना 25 नवंबर, कोस्ट गार्ड का पेपर 25 नवंबर 25th of November, और जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, एक सेकंड रुको गाइस, एक सेकंड रुको, मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, उसमें मैं आपको लिख के बताता हूँ तो ज़्यादा बेटर वैसे समझ में आएगा। तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे फुल पे और हम चलते हैं अभी ऊपर और कहीं पे खाली स्पेस को देखते हैं क्या। मैंने कहा चलो हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा अपने को स्पेस मिला यहाँ पे। चलो तो पहला नंबर, तो कोस्ट गार्ड के एग्जाम डेट की बात कर लेता हूँ। तो कोस्ट गार्ड का जो आपका एग्जाम होगा लगभग 22 से 25 नवंबर, वहीं पे BSF रेडियो ऑपरेटर के तो एग्जाम डेट ही फिक्स है ऑफिशियल 20 नवंबर को। दोनों में कॉमन क्या है, सब चीजें कॉमन है, सारी की सारी चीजें कॉमन है। देखो मैं बताता हूँ, फिजिक्स आएगा दोनों में, दोनों में फिजिक्स आएगा, इसमें 40 नंबर का आएगा, इसमें लगभग 35 नंबर का आएगा, 35 नहीं लगभग 30 नंबर का आएगा, क्योंकि 25 तो आपका GD वाले पेपर के हो गए और 5 DB वाले में साइंस आएगा ना उसके बाद, तो दोनों में फिजिक्स का अलग ही रूल। उसके बाद मैथ्स,
दोनों में आएगा। इसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें 25 आएंगे, इसमें 20 आएंगे। दोनों में एडवांस मैथ आएगी, वही कि आपका 10th and 11th and 12th वाला जो आप पढ़ रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसे, कैलकुलस हो गया, मैट्रिक एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, दोनों में देखो कितनी सिमिलरिटी है। इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ पे आई थिंक 15 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। जीके, इसमें कोस्ट गार्ड में 5 क्वेश्चन, कोस्ट गार्ड में 5 क्वेश्चन और इसमें 10 क्वेश्चन हो गया इंग्लिश जीके। अब क्या मैथ्स भी हो गया, केमिस्ट्री इसमें जरूर 20 मार्क का आएगा और कोस्ट गार्ड में केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नंबर का, 2 से 3 नंबर का केमिस्ट्री आपका कोस्ट गार्ड के पेपर में। ठीक, तो सारे के सारे तो मैंने करा दिए, इंग्लिश करा दिया, जीके करा दिया, रीजनिंग, हाँ इसमें रीजनिंग नहीं आएगा आपका, कोस्ट गार्ड बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में आपका रीजनिंग नहीं आएगा, जबकि कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आपका रीजनिंग आएगा 10 मार्क का, वो काफी इजी होता है, आप उसे नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप 6 to 7 स्कोर इजिली कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर सही से अगर सही लग गया तो फिर वो सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। एडमिट कार्ड कब तक आता है, दोनों के एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो जो एक आपका 22 से 25 नंबर को मान लो जो कोस्ट गार्ड का पेपर होने जा रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, कोस्ट गार्ड ऑफिशियल ही है, मान लो उन्होंने बोला एंड ऑफ नवंबर ऑफ ऑफिशियल, 2 से 3 बार देख लो मिड और एंड ऑफ, तो उसी टाइम पे वो लोग जाके चीजों को कंडक्ट कराते हैं। उसका दूसरा नंबर जो आपका बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड 20 को है, तो मान लीजिएगा इसका लगभग 5 नवंबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और ये जो अगर मान लो कहता हूँ 25 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होते हैं तो 15 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम सेंटर और एग्जाम सिटी कहाँ है। ठीक है, अभी भी इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिल करने का मौका है, जो भी कैंडिडेट फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, ऑफिशियल डेट एक्सटेंड हो गई है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ऑफिशियल अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, हम यहाँ पे होम पे चलते हैं, होम पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CGEPT फॉर 2021-2023 बैच हैज बीन एक्सटेंडेड, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा अक्षरों में, एक्सटेंड कर दी गई आपकी डेट सितंबर 2022 टिल 5:30, मतलब 5:30 बजे तक शाम के लिए आप फिल कर सकते हो इस फॉर्म को, और इसके बाद यहाँ पे आके सारी की सारी चीजें देख सकते हो। हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये ऐसे ही काम करेगा, आपके काफी सारे यहाँ पे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट अभी भी आ रहा हो कि भैया कैसा क्या 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 चीजें होंगी, तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम डेट क्या होगी, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, अगर आप सभी, खैर अभी तो ऑनलाइन मॉक का इनका आया नहीं है लेकिन एग्जाम से पहले यहाँ पे ऑनलाइन का मॉक का आ जाता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये इनकी एक दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन कोस्ट गार्ड की, है देख सकते हो यहाँ पे एडिशनल लिस्ट फॉर असिस्टेंट कमांडेंट का जो हुआ था उसका जो अपडेट आया था उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है, तो मैं अपडेट करता रहूंगा। बाकी एक बात और बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो कुछ एग्जाम के लिए हो या फिर आपका इसके बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के लिए हो, परीक्षा एप्लीकेशन पे आपको जाना होगा, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल पे आप सर्च कर सकते हो परीक्षा एप्लीकेशन और जा सकते हो वहाँ पे, हम ऐसे ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे परीक्षा दे सक्सेस ऐप करके मिल जाएगा आपको वहाँ पे कोड। अभी थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया तो मैं आपको बता देता हूँ, रुकिएगा, आपको टेस्ट में आना है, टेस्ट पे जैसे ही आते हैं यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर करना है या फिर आपको कोस्ट गार्ड करना है। जैसे मैं कोस्ट गार्ड का बता देता हूँ, ये 20 टेस्ट है, तो अनलॉक सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनलॉक नाउ पे क्लिक करेंगे, दो कोड अपने हैं ऑनलाइन D50 हम मान लो यूज करते हैं तो अप्लाई कोड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ अभी टेस्ट का प्राइस थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है क्योंकि इन्होंने कुछ एक ऑफर लेके आए वो इस वजह से इसका ज्यादा है। आप ऐसा करिएगा, मैंने यहाँ पे अपना BSA 50 भी उनसे कहा कि सर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं तो हम तो नहीं करेंगे, तो फिर 175 रुपीज़ है आप सभी के लिए, तो कर सकते हो करना हो तो, बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में आज कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।